हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोत्सी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सेंशन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पर क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजंग डीमन आर्मी को खत्म कर देता है और जो पीपल होते हैं वो उसे एज अ गॉड ट्रीट कर रहे होते हैं और प्रे कर रहे होते हैं उसके सामने। तो चैप्टर में 126 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग बोल रहा होता है, मैंने उन सभी को भगा दिया है, वो अब तुम्हें शांति से अकेले जीने देंगे, अभी अच्छा चांस है यहाँ से भागने का। वो इंसान बोल रहे होते हैं, हम कहीं भी नहीं जाएंगे, हम तुम्हें फॉलो करेंगे। लुजंग सोच रहे होते हैं कि मैं किस चक्कर में फंस गया हूँ, जो ओनली रीजन है मेरे यहाँ पे आने का वो है टावर ऑफ सिन। अभी जो हुआ है इससे मेरे को लगता है कि जो डीमन है वो इस केस को ऐसे नहीं जाने देंगे, तो ये बुरा यहाँ पे रुकना भी के लिए। लुजंग बोलता है, अगर ऐसा केस है तो चलो साथ में चलते हैं। तो जो पीपल होते हैं बोलते ठीक है। वो सभी वैगन में अपने सामान को ट्रांसफर करने लग पड़ते हैं और चलने लग पड़ते हैं। लुजंग सोच रहा होता है, अब जो लोअर स्पेस का वो मेरी बॉडी में पूरी तरह से क्लियर हो गया है, तो मैं फ्रीली मूव कर सकता हूँ दोबारा। अब मैं फोकस करता हूँ अपने डाउट आई को ओपन करने के लिए। फिर जो क्रिम्सन ड्रैगन है वो मुझे अनपैलेट गोड टेक्निक को सिखा देगा, फिर उसकी वजह से मैं स्ट्रॉन्गर एनिमीज से भी डील कर सकता हूँ टावर ऑफ सिन में। मैंने भी सुना था इमोर्टल टियानमियों से कि ये जो बोन है ये क्लाउड चेसिंग लायन की है। ये ऐसे तो एक ऑर्डिनरी लेजेंडरी बीस्ट ही है, पर ये इनफ होगा अभी के लिए। लुजंग उस बोन को नीचे रख लेता है और बोलता है कि मैं पहले अपनी गांग एनर्जी को इस बोन में डालता हूँ। जैसे लुजंग अपनी गांग एनर्जी को उस बोन में डालता है तो उस बोन की वजह से जो एनर्जी होती है वो आसमान में जाती है और क्लाउड चेसिंग लाइन फॉर्म हो जाता है। लुजंग बोल रहे होते ये तो क्लाउड चेसिंग लाइन है। वो जो लाइन होते वो बड़ी जोर से रोर करता है। तो जो इंसान होते वो बोल रहे थे ये क्या था, ये तो बड़ा डरावना था। लुजंग बोलता है नहीं। लुजंग अपनी डिमोनिक की को यूज करता है और उस बोन को कवर कर लेता है और जो लाइन होता है वो गायब हो जाता है। लुजंग सोच रहा होता है कि तो बड़ा ज्यादा क्लोज था, ये जो बोन्स है ये तो सैवेज एनर्जी से फील है, अगर ये एक्सप्लोड हो गया होता तो मुझे नहीं लगता कि ये जो नॉर्मल पीपल है मेरे अराउंड ये जिंदा बच पाते। लुजंग अपनी एनर्जी से उसे कोट कर लेता है और बोन को एब्जॉर्ब करने लग पड़ता है। लुजंग सोच रहा होता है जो एट्थ डाउट आई है जिसे मैं ओपन करने वाला हूँ वो बाई हुई टाई है। शर्मन टाई, फेंगमेन टाई, कुहाई टाई, क्यूंगलिन टाई और जाओजाई टाई है, फिर लीव टाई और डेथ टाई। इन सभी को अनलॉक करना पड़ेगा मुझे, ये सभी एट डाउट आए हैं। मैंने बोन को तो एनर्जी से कवर कर लिया है, तो ये टाइम है अब्सॉर्ब करने का, जितना मर्जी एसेंस को मैं अब्सॉर्ब कर सकता हूँ एट डाउट आई को ओपन करने के लिए। लुजंग अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, उसके फोरहेड पे जो एनर्जी होती है वो एज अ फायर अपीयर हो जाती है और फिर उसका जो डाउट आई होता है वो भी अपीयर होता है। फिर लुजंग के सिर को छोटे छोटे स्मोक के क्लाउड कवर कर रहे होते हैं। लुजंग सोच रहा होता है जो बाय हुई टाई है वो बेस है एट डाउट आईज का। पहले ये अगर ये अनलॉक हो जाएगा तो जो रेट होगा गांग एनर्जी का प्रोड्यूस होने का वो बड़ा ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लुजंग अपने आईज को ओपन कर लेता है। फिर लुजंग वैगन के ऊपर बैठा होता है, आगे की तरफ मूव हो रहा होता है। लुजंग पीछे की तरफ देखता है यहाँ वहाँ पेड़ों के पास और बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डीमन हमें देख रहे हैं। वेल, वहाँ पे एक छुपा भी होता है। लुजंग सोच रहे होते हैं बड़ा अजीब है, ये क्यों नहीं कुछ करने की ट्राई कर रहे हैं। एक डीमन बोल रहा था कि इंसानी बच्चा कहाँ से आया है, तो दूसरा बोलता है कि जैसे कि हमारे जो छोटे रैंक के डीमन है उन्होंने बोला है कि एकदम से इस रैंच में अपीयर हुआ है, पर किसी ने देखा था एक बहुत बड़ा क्लाउड ऊपर आसमान में। ये भी हो सकता है वो कि एक पोर्टल हो जो कि पुराने टाइम से हो। तो दूसरा पहले वाला डेमन बोलते हैं कि कुछ भी नहीं, अगर ये हमसे कुछ इंसानों को ले जाएगा, पर मैं इस बात की चिंता कर रहा हूँ कि ये कुछ छिपा रहा है, हमें जाना चाहिए कि उसके सामने और उसे रोकना चाहिए। तो दूसरा डेमन बोलता है कि अगर हम कुछ करेंगे यहाँ पे तो जो ह्यूमंस है वो रिएक्ट करेंगे और जो नाइट एल्व्स हैं वो भी ऐसे चुपचाप खड़े नहीं रहेंगे, वो भी अटैक करेंगे हमारे ऊपर। तो दूसरा डेविल बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, जो टियानिंग प्लेन्स है वो नॉर्थन ईस्टर्न टिप है इस लैंड की। हिस्टोरिकली बात करें तो ह्यूमन डीमंस और नाइट एल्व्स जो है वो फाइट करते हैं यहाँ पे। हजार सालों की फाइट के बाद एक छोटा सा बैलेंस क्रिएट हुआ और जो बच्चे अभी कर रहा है मुझे लगता है कि वो बैलेंस को ब्रेक कर देगा। रिपोर्ट करो इस केस को हायर अप्स में कि ये बच्चा लोगों के साथ घूम रहा है कुछ जो हमारे लाइफ स्टॉक थे। हमारे पास अभी भी टाइम है थोड़ा सा सोचने के लिए। तो दूसरा डेमन बोलता है ठीक है। तो एक पहाड़ के ऊपर जो इंसान खड़े होते हैं कुछ, तो एक बोल रहा होता है कि ये अजीब इंसान कहाँ से आया है, ये तो सिर्फ एक सेवंथ टायर वॉरियर है, पर इसने 100 से भी ज्यादा इंसान ले लिए हैं डीमन रैंच में से, ये करना क्या चाहता है, इसका प्लान क्या है। तो दूसरा इंसान बोलता है कि मरने दो उसे, ये तो अजीब इंसान है, हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हमने कुछ नहीं देखा है, हमें इतनी ज्यादा मुश्किल से 10 साल के बाद पीस मिली हुई है, शांति मिली हुई है, अगर हम अभी वहां पे चले जाएंगे तो ये बड़ा ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। तो तीसरे इंसान बोलते हैं कि नहीं, मैं रिपोर्ट करता हूँ अपने फादर को इसे, ये तो सच्ची मुची बड़ा ज्यादा अजीब है, ये हमारे ऊपर नहीं है डिसाइड करने के लिए, ये कोई बात नहीं, ये कांक है पर ये ह्यूमन है। पहले वाले इंसान बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स हमें रिपोर्ट करना चाहिए इसे, पर जो बिगेस्ट प्रॉब्लम अभी ये है कि ये बच्चा डीमन नाइट की लैंड की तरफ जा रहा है, वो फिर चुपचाप देख रहे होते हैं। लुजंग बोलता है कि चलो हम फाइनली उन वुड्स के बाहर तो आ रहे हैं, फिर बोलते हैं ये क्या चीज है, तभी उसकी तरफ एक एरो
एरो आता है जो कि बिल्कुल ही उसके वैगन के सामने होता है। लुजंग बोलते है, क्या ये वार्निंग है? तभी लुजंग पीछे की तरफ देखता है पेड़ की तरफ हैरानी से, और उस पेड़ में से एक आवाज आ रही होती है कि इंसान तुम्हें इस प्लेस से जाना होगा, तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। लुजंग बोलता है ठीक है हम यहाँ से जाते हैं। तभी लुजंग को पीछे से आवाज सुनाई देती है और वो बोल रहा होता है कि किड तुम यहाँ पे रहने वाले हो? लुजंग देखता है पीछे की तरफ तो वहाँ पे डीमन आगे होते हैं दो। लुजंग बोलता मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? तो वो डीमन होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे रहोगे या फिर मरोगे, तुम इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हो, तुम एक सेवंथ टायर के वॉरियर हो, तुम्हारे पास कुछ भी पावर नहीं है रेजिस्ट करने के लिए। लुजंग बोलता तो तुम क्या हो फिर? तो वो डीमन बोलते मैं वॉरियर नहीं हूँ, मैं जनरल हूँ, मैं फिफ्थ टायर जनरल हूँ। लुजंग बोलता अच्छा सच्ची? फिर लुजंग वहां से जंप करता है वैगन में से और डीमन की तरफ जा रहा होता है। डीमन बोलता है अच्छा तुम डायरेक्टली मेरे ऊपर चार्ज करने लगे हो, ये तो ऐसा होगा कि तुम एक रोक से एक अंडे को तोड़ने लगे हो, तुम्हें पता नहीं कि मेरी बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस विश को पूरा करता हूँ। लुजंग और वो एक दूसरे के सामने जा रहे होते हैं फुल फोर्स में। लुजंग पंच मारता है और उस डीमन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके शरीर का कुछ भी बचा नहीं होता और उसकी खून की बूंदे नीचे गिर रही होती है बारिश की तरह। लुजंग अपने पंच को साफ करता है, फिर फिस्ट को साफ करता है, बाकी डीमन्स भी हैरान होकर उसकी तरफ देख रहे होते हैं। लुजंग बोल रहा होता है कि और किसी की विश है मेरे सामने खड़े होने की? डीमन्स चुपचाप देख रहे होते हैं। वो इंसान बोल रहे होते हैं तुम श्योर हो कि ये बच्चा एक इंसान है? तो दूसरा इंसान बोलता है हाँ ये इंसान ही है, बट इसकी टेक्निक्स तो हमसे कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ये एक डीमन को इस तरह पीसेस में स्मैश कर सकता है। अभी मुझे ये मत बोलना कि ये एक होली लैंड से है इंसानों की। तो दूसरा इंसान बोलते ये तो इम्पोसिबल है, अगर ऐसा कुछ होता तो हमें पता होता कि कोई आ रहा है वहां से, हम ऐसे क्यों नहीं करते किसी यहाँ से ले जाते और ट्रेन करते हैं? अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है पावरफुल हो जाएगा और ह्यूमंस के लिए कुछ अच्छा ही काम करेगा, अगर हम इसे टावर ऑफ सिन में डाल देंगे तो। दूसरा इंसान बोलता हाँ तुम सही बोल रहे हो, हमें इसे बचाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। तो जो पेड़ में से डीमनाइट्स भी देख रहे होते हैं और वो उनमें से एक लड़की बोल रही होती है ये बच्चे तो कुछ ज्यादा स्पेशल लग रहा है। तो दूसरा डीमनाइट बोलता है कि अगर ऐसा भी होगा तो भी इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अभी के लिए इसके ऊपर ध्यान रखो कि ये यहाँ पे पैर ना रखे हमारे लैंड में। तो वो लड़की डीमनाइट बोलते ठीक है। डीमन्स बोल रहे होते हैं कि इसने हमारे जनरल को मारा है, हमें इसे टुकड़ों में काटना है। लुजंग बोलता है अच्छा तुम डीमन्स के ऊपर मुझे कोई भी दया नहीं दिखाने चाहिए और तुम डिजर्व भी नहीं करते हो। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें दिखाने दो कि असली डेथ होती क्या है। लुजंग उनकी तरफ जा रहा होता है अटैक करने के लिए। लुजंग जैसे डीमन्स के पास पहुंचता है वो उन्हें कट करने लग पड़ता है, वो अपने स्पोर्ट से उन्हें सभी को मार रहा होता है, कट कर रहा होता है। तो एक डीमन बोल रहा होता है कि तुम इन बच्चों के साथ क्यों फाइट कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो, मैं सिक्स टायर जनरल हूँ। लुजंग एक डीमन को काट देता है और बोलता है इतना भी बुरा नहीं है, ये इतना बुरा नहीं है। फिर वो उस डीमन की तरफ अटैक करने लगा होता है जो बोल रहा होता है मैं सिक्स टायर जनरल हूँ। लुजंग बोल रहा होता है कम्प्लीटली यूजलेस है और वो उसके हैमर्स को कट कर देता है। वो जो डीमन होता है वो पीछे की तरफ मूव कर जाता है। लुजंग बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। फिर वो जल्दी से अपनी पावर को यूज करके उस डीमन की तरफ जा रहा होता है फुल स्पीड में। लुजंग सोच रहे होते हैं चल क्या रहा है, मैं तो ज्यादा फास्ट कैसे मूव कर रहा हूँ। वो डीमन खड़ा होता है चुपचाप और कुछ नहीं कर रहा होता है। लुजंग जल्दी से जाता है और उसकी गर्दन को काट देता है, उसका शरीर नीचे गिर जाता है। लुजंग सोच रहा होता है कि मैंने क्या किया, इतनी ज्यादा जल्दी मैं कैसे मूव कर रहा हूँ। क्रिम्सन ड्रैगन बोल रहा होता है कि बच्चे मुझे तुम कंफ्यूज लग रहे हो, जो अभी तुमने गांग एनर्जी यूज की वो तुम्हारी बाई हुई टाई से आ रही है। लुजंग सोच रहा होता है बाई हुई टाई का ऐसा इफेक्ट भी है? तो क्रिम्सन ड्रैगन बोल रहा होता है कि नहीं, ऐसे नॉर्मली बात की जाए तो इसका ऐसा इफेक्ट नहीं होता है, पर तुम्हारा जो है वो क्लाउड चेसिंग लायन की बोन से हुआ है। जो क्लाउड चेसिंग लायन है वो डिवाइन बीस्ट में से फास्टेस्ट है, तो इसीलिए तुमने इसकी एबिलिटी को ऑब्टेन किया। लुजंग बोलता है सच्ची? क्रिम्सन ड्रैगन बोलता हाँ, जो बिगेस्ट एडवांटेज है तुम्हारी बॉडी को फोर्ज करने का कि तुम अपनी डाउट आई को शेप में ला सकते हो, और इसके लिए बोन्स चाहिए होती हैं। जितनी ज्यादा तुम स्ट्रॉन्ग बोन यूज करोगे उतनी ज्यादा तुम्हें स्ट्रॉन्ग पावर मिलेगी। जो ए डाउट आए हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबिलिटीज को पा सकती हैं, और जो तुम बोन्स यूज करोगे वो यूज होंगे उन पावर्स को पाने के लिए। लुजंग बोलता ठीक है मैं समझता हूँ। तो तभी कोई आ जाता पीछे से और बोल रहा होता है कि तुम बड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग हो ह्यूमन। तो चैप्टर नंबर 126 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्त साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसे लगे, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।